टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि मुमरा के एम ए वली टीएमसी हॉस्पिटल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने भूख हड़ताल किया है। दरअसल कल शाम के वक्त जो है आम आदमी पार्टी के चार लोग टीएमसी हॉस्पिटल के सामने ही भूख हड़ताल पर बैठे थे और आज दोपहर के वक्त पुलिस उन्हें उठाकर पुलिस स्टेशन लेकर आई है और यहाँ पर तमाम आम आदमी पार्टी के जो है नेता यहाँ पर मौजूद है, कार्यकर्ता मौजूद है और जो भूख हड़ताल पर बैठे थे हॉस्पिटल के मुद्दे पर, अशरफ भाई उनसे हम बात करते हैं कि आप लोग कितने लोग जो है टोटल भूख हड़ताल पर बैठे थे? टोटल चार में 144 में भी चार का मसला नहीं रहता है, लेकिन चार लोग हम लोग बैठे थे। वो भी इसलिए बैठे थे कि 13 साल से हॉस्पिटल एक मुमरा में नहीं मिल पाया, वो बनने के लिए बिल्डिंग तैयार हुई, हॉस्पिटल आज तक नहीं बन पाया। ये सुनने में आया कि आपाधापी में वो जल्दी जल्दी PHC खोलेंगे, प्राइमरी हेल्थ केयर टाइप का खोलेंगे। तो बताइए जो हॉस्पिटल पर जाना चाहता है इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाते हैं, वरना लोकल मोहल्ले में इलाज करा लेते हैं। हॉस्पिटल के इमरजेंसी में जाएगा उससे हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, बेवकूफ़ बनाया जाएगा। उसके लिए हम लोग कहा कि अगर हॉस्पिटल खोलना है तो फुल फ्लेज में खोलिए, लेकिन अंदर जाके देखा सिर्फ बिल्डिंग थी, उसमें मशीन वशीन कुछ नहीं थी, ना उनका स्टाफ आज तक सेलेक्ट हुआ अभी तक MBBS वगैरह कुछ नहीं। तो हम लोग की डिमांड थी कि पैरामेडिकल स्टाफ हो, उनका MBBS डॉक्टर हो और सारी मतलब कुछ ऐसा लगे कि हॉस्पिटल की तरह, तो हॉस्पिटल का उद्घाटन कीजिए ना कि बिल्डिंग का। ये हम लोगों का TMC से मांग थी। परमिशन मिला था क्या आप लोगों को? परमिशन के लिए बकायदा हम लोगों ने दिया था 14 से 15 तारीख तक के लिए, सिर्फ मतलब 5 से 10 बजे रात तक, दूसरे दिन तक। चार लोगों का बताया था कि चार लोग हम लोग बैठेंगे, बकायदा इन्होंने रिसीविंग दिया और इसे ओरल बात हुई। बकायदा सीनियर साहब से कई बार हुआ कि सीनियर साहब अभी यहाँ नहीं, मुलाकात तो 4 बजे बुलाया तो फजल भाई हमारे प्रेसिडेंट साहब गए वहाँ, तो उनसे बकायदा बात हुई कि आप लोग चार ही लोग हैं, कोई बात नहीं, शांति से कर डालिए। अच्छा, लिखित में दिए थे क्या? लिखित में नहीं दिए थे, ओरली ऐसे बोले। हाँ, ओरली बोले थे। और चार से उनको मालूम था, चार से ऊपर कुछ नहीं तो लिखित में क्या देते, नहीं तो वो वरना कोई कैंसिलेशन का कुछ दे देते जैसे पहले दिया था, तो वैसा कुछ कैंसिलेशन का नहीं दिया। दूसरे ये कि रात में TMC से भी कोई, थाने से भी कोई LIO का उनका कोई आया था जो नोट वोट करके ले गए, फिर उसके बाद यहाँ से LIO रात में भी गए, ये पुलिस प्रोटेक्शन भी बकायदा दिया, फोटोज भी मंगाए, नाम भी नोट किए, सब कुछ चल रहा था भाई। आप लोग यहाँ तक इनके जो जाते थे कहते आप लोग बहुत शांति से बैठे, बहुत अच्छा लग रहा, यहाँ तक की कहा। उसके बाद अचानक जो है 1:30 बजे हम लोग नमाज होती है तो वहाँ नमाज पढ़ने लगे, तब तक इनकी गाड़ी गई है, कहा कि भाई कौन कौन बैठे हैं सब लोग चले, और ज़बरदस्ती लेकर के पुलिस स्टेशन चले आए। आप लोगों को वहाँ से उठा के पुलिस, हाँ पुलिस स्टेशन ले गया, ये कहा कि चलिए आप लोग नहीं बैठ सकते हैं और सीनियर साहब से बात कर लीजिए। सीनियर साहब से हम लोग आए हुए हैं करीब वही 2 बजे आए होंगे, उसमें अभी तक सीनियर साहब मिले नहीं हम लोगों से, अभी तक नहीं मुलाकात हुई सीनियर साहब से। बकायदा उसे फिर आपसे कहा गया सीनियर साहब से मुलाकात कर ली, तो 2 बजे आए, अभी 4-5 बजे, लेकिन सुनिए तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनके जो हैं और ऑफिसर उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप लोग अब वहाँ मत जाइएगा और ख़त्म हो जाए, वरना पहले कहा था कि आपके ऊपर FIR होगा। कहाँ मत जाइएगा? वहाँ जहाँ पर धरना दर्शन हॉस्पिटल हॉस्पिटल पर उन्होंने कहा कि अगर आप जाएंगे तो गुनाह दाखिल होगा, वहाँ मत जाइए। मतलब ये कि FIR, हम लोग डिसिप्लिन वाली पार्टी हमेशा अनुशासन में रही है और हमेशा परमिशन से काम किया। क्यों नहीं जा सकते, वजह क्या है, कुछ रीज़न बताया उन्होंने? रीज़न कुछ नहीं, बस वही कि आपको नोटिस दी गई थी, और नोटिस के हिसाब से भी चार लोगों को कौन सी नोटिस होती है? नोटिस कैसी दी गई? नोटिस ये है, देखिए इसमें अगर आप नोटिस पढ़ेंगे तो पूरी इसमें लिखा है कि 5 से ऊपर रहो तो कोई सार्वजनिक कार्य जगह पे कुछ प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, इसमें लिखा है। इस पे ये नोटिस दी गई 149 की, इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है 5, ये देखिए ये 5 जन अगर 5 से ऊपर रहेंगे तो कोई कार्यवाही तो कोई भी कार्यक्रम नहीं कर सकते, लेकिन हमको सिर्फ 4 जन थे। तो अभी तो आप लोगों का जो भूख हड़ताल था जो दिया गया था वो एप्लीकेशन है। अच्छा, आप लोगों ने मांगनी की थी आपको ओरली कहा गया बैठने के लिए, कि अभी आप लोग वहाँ से पुलिस स्टेशन आ गए, अभी आप लोग सीनियर सर से भी मुलाकात नहीं कर पाए, तो आप भी अभी भूख हड़ताल पे है, आपका ये भूख हड़ताल कब खत्म होगा? 24 घंटे का था, 7 बजे हम लोग बैठे। कोई मनपा का अधिकारी और आया आपसे मुलाकात करने के लिए? अगर इनको खत्म कर, इनको प्रॉब्लम थी तो इनका कोई भी ऑफिसर, छोटा ऑफिसर, कोई मतलब प्यून टाइप का भी आ जाता कि आपसे कहता भाई आप लोग मेमोरेंडम दे दीजिए और ख़त्म कीजिए, तो मान लेते। इनका कोई TMC का ऑफिसर भी नहीं आया, हालांकि इनको खबर है। इन लोगों ने जब इस परमिशन की बात हो रही थी, बकायदा इन्होंने मनीष जोशी साहब से बात भी करवाया था,
कि वो हेल्थ के हैं, बात कर लीजिए। वहाँ से जाके हम लोग बात किए थे, कोई संतोषजनक जवाब वहाँ से नहीं मिला था। वो चूँकि वही कह रहा था कि हम फेज़ वाइज खोलेंगे और इसी मंथ में खोलेंगे, तो फेज़ वाइज ये हुआ कि भाई आप फेज़ में क्या करेंगे, तो कुछ बता नहीं पाए थे। फिर एडिशनल कमिश्नर से मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया कि वाकई में जो सिचुएशन है वो 6 महीना लग जाएगा। बताइए 13 साल हो गया, अभी तक हॉस्पिटल नहीं खुल सका, अभी भी 6 महीना लग जाएगा। और खोलने की बात क्या थी कि अभी इलेक्शन, ये सिस्टम देखिए दिमाग की, इलेक्शन करीब है तो आशा भाई अभी ये बताइए, आप वहाँ से यहाँ आ गए, आपको मना किया गया कि वहाँ भी आप मत जाइए, तो फिर कैसे क्या करेंगे आप भूख हड़ताल? देखिए 7 बजे है, अब हम लोग जो कौन खत्म कराएगा आपका भूख हड़ताल? अब वहाँ बैठते तो वहाँ बहुत लोग आने वाले थे, जाहिर सी बात है कि पूरा अभी आप तो वहाँ बैठोगे नहीं ना, तो फिर कैसे? अब बैठेंगे नहीं, अब यहाँ पे क्या करना है बस दादी, यही 4 लोग हैं। हमको लग रहा है कि हम सोच रहे हैं कि नहीं भूख ऐसे ही रह जाए, न तोड़े भूख हड़ताल, भूख हड़ताल ख़त्म ही न करें, इसलिए कि जब हमारे को हमको जो है कोई वैल्यू उसको TMC तक नहीं, इनके सिंपैथी देखिए ज़रा भी नहीं है। और एक हम नागरिक, एक नागरिक होने के नाते भी, पार्टी छोड़िए कोई पोलिटिकल पार्टी नहीं, एक नागरिक होने के नाते अगर बैठे हैं और बिना पानी के बिना खाने के बैठे हैं और 24 घंटा होने जा रहा है, उसके बाद इनका कोई मेमोरेंडम देने या, ये क्या दर्शाता है? ये डेमोक्रेसी की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है, सीधे सीधे हिटलर शाही है। आप क्या कहेंगे? ये देखिए, ये मेमोरेंडम देने के लिए हम लोग भूख हड़ताल के ऊपर बैठे थे और हमारे कुछ डिमांड्स थे कि भाई ये ट्रेजरी लेवल के हॉस्पिटल है और उसके अंदर जो जो नॉर्म्स के हिसाब से जो डिपार्टमेंट्स होने चाहिए वो डिपार्टमेंट्स आप रखिए और फिर उसको फुल फ्लेज हमको हॉस्पिटल चाहिए, यही हमारी छोटी सी डिमांड थी। ये डिमांड को वो लोग लेने के लिए TMC, लेकिन आप लोग तो भूख हड़ताल पे बैठे, कोई अधिकारी TMC का नहीं आया आप लोग उससे मिलने के लिए? जी तो उस भाई TMC का अधिकारी को हम टेलीग्राम तो नहीं भेज सकते, हम उनको फ़ोन तो नहीं कर सकते भाई, क्या हम तो आप वहाँ से वहाँ पे हमको मिलने के लिए आए हैं, आप हमको मिलने के लिए आए? ये तो उनको सोचना चाहिए, ये उनको शर्मसार होना चाहिए कि एक मुमरा का नागरिक यहाँ पे बैठे हुए हैं और एक आम आदमी पार्टी के लोग, एक पॉलिटिकल पार्टी है, नेशनल लेवल की पार्टी है भाई, अगर वो बैठी हुई है तो उनको कुछ नॉर्म्स पाल के उनको आना चाहिए वहाँ पे, और उनके एरिया के अंदर उनकी प्रमाइसिस के बाहर ही हम लोग बैठे हुए थे, तो ये तो उनको शर्म होने वाली बात है, हमको शर्मसार होने वाली बात नहीं है, हम तो और भी आंदोलन करेंगे। तो दुरिया जी, अभी 4 लोग जो है वो लोग वैसे ही भूखे हैं, भूख हड़ताल पे हैं, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग वहाँ नहीं बैठ रहे, यहाँ पर भी हैं, कैसे ये कैसे आप लोगों का भूख हड़ताल खत्म कराया जाएगा, क्या करेंगे? हमको जब वहाँ से ज़बरदस्ती यहाँ पे लाया गया है और हमको बोला गया है कि वहाँ वापस नहीं जाना, तो अभी हम मुमरा पुलिस स्टेशन के सामने ही हमारी भूख हड़ताल खोलेंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी और TMC हॉस्पिटल को लेकर जो है भूख हड़ताल पर बैठी थी और दोपहर में आज पुलिस प्रशासन उन्हें उठाकर मुमरा पुलिस लेकर आई और उनसे कहा गया कि जो है मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन इनका ऐसा कहना है कि अभी तक जो है सीनियर इंस्पेक्टर से इनकी मुलाकात नहीं हुई है और 24 घंटे लगभग बीत चुके हैं और मनपा का कोई भी अधिकारी इनसे मुलाकात नहीं किया है और अभी तक जो है इनका भूख हड़ताल जारी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इनका जो भूख हड़ताल है वो किस तरह से खत्म होगा। कैमरा मैन नीलेश कनौजिया के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंबई।